उनके लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई जो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे? हाकिम दीन, किसकी मदद की तुमने? तुम्हें, तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। इन आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ तो है ही, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो आतंकियों के मददगार के रूप में काम कर रहे थे और अब वो खुफिया एजेंसियों और पुलिस के शिकंजे में हैं। इन गद्दार और मददगारों के जरिए पाकिस्तान से घुसपैठ कर कराए आतंकी नापाक वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे ही 4 गद्दारों पर अब एक्शन हुआ है जो सरकारी कर्मचारी थे, जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं, और इन 4 को देश से गद्दारी करने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। कुछ दिन पहले टाइम्स 9 नवभारत पर हाकिम दीन नाम के गद्दार को बेनकाब किया गया था। हाकिम दीन वो गद्दार है जिसने पिछले दिनों रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में दहशत गर्दों की मदद की थी। उसने न सिर्फ आतंकियों को अपने घर में ठहराया था बल्कि गाइड करने का भी काम किया था। आप देख सकते हैं, ये वो है शख्स हाकिम दीन जिसने आतंकवादियों की मदद की, और ये वो शख्स है जो उनको अपने घर में खाना खिला रहा था। हाकिम दीन, एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई जो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे? हाकिम दीन, किसकी मदद की तुमने? तुम्हें, तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। हाकिम दीन, हाकिम दीन, कैसे कर रहे थे तुम ये सब? अपने देशवासियों को मरवा रहे हो हाकिम दीन, पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए? हाकिम, ऐसा क्यों कर रहे थे? 6000 के लिए हाकिम दीन ये काम किया तुमने? 6000 के लिए शर्म नहीं आई तुम्हें आतंकवादियों के साथ? हाकिम दीन, बता सकते हो क्यों ऐसे मदद करते रहे आतंकवादियों की? अपने देशवासियों को मरवाया, पेंशन को मरवाया 6000 रुपए के लिए, क्यों हाकिम दीन ऐसा करते रहे आप? हाकिम दीन क्यों ऐसा कर रहे हो? खबर है कि जम्मू में इस वक्त 50 से 55 आतंकी मौजूद है। खुफिया एजेंसियों की नजर ऐसे लोगों पर है जो आतंकियों के मददगार बन रहे हैं, भारत के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ द भारत पे हमने आपको दिखाया कैसे हाकिम दीन नाम का एक रजौरी का गद्दार जिसने आतंकवादियों की मदद की थी रियासी पौनी के इलाके में उस यात्रियों की बस पर हमला करना जिसमें 9 यात्री वैष्णो देवी के थे जो ट्रेवल करते थे, वो मारे गए थे और 33 के करीब उसमें जख्मी हुए थे। ऐसे हाकिम दीन जैसे कई गद्दार हैं जो अभी भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं ये आतंकवादी किसी के भी सगे नहीं होते, ये आतंकवादी किसी के भी दोस्त नहीं होते। आज जरूर ये उनकी मदद कर रहे हैं, कल इन्हीं के परिवार के सदस्यों को ये मार गिराएंगे, क्योंकि आतंकवादी यहाँ सिर्फ मारने के लिए आया, यहाँ मासूम लोगों का खून बहाने के लिए आया। वहीं दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, 4 और मुलाजमों को, आज 4 और गद्दारों को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें 2 लोग जो थे पुलिस कांस्टेबल थे, एक का नाम है मुश्ताक अहमद पीर जो कि एक ड्रग सिंडिकेट के साथ काम करता था, नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व था, लेकिन जो हीरोइन बाहर से आती थी उसे यहाँ पे मदद करता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और जो पैसा कमाया जाता था वह आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता था। 1995 का ये भर्ती जो कांस्टेबल है उसे नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरा एक और है लोन नाम का एक आतंकवाद जो पुलिस कर्मचारी, उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। बताया जाता है कि ये जैश ए मोहम्मद संगठन जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है उसके साथ काम करता था, उनकी हेल्प करता था, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता था, उनके हथियार एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया करता था और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता था कि कब ऑपरेशन हो रहा है ताकि वो उस इलाके से भाग निकले। तो ऐसे गद्दारों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन 4 गद्दारों को जो कि सरकारी मुलाजिम थे, यानी कि आपका और हमारा पैसा, हमारा टैक्स पेयर का मनी, जिनको तनख्वाह जिनको दी जाती थी उसका इस्तेमाल करते थे पाकिस्तान की मदद करने के लिए, गद्दारी देश के साथ करने के लिए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये पहली बार नहीं है, 100 से ज्यादा मुलाजिम अभी तक नौकरी से निकाल दिए गए हैं, जिसमें सईद अली शाह गिलानी का ग्रैंडसन जो कि SKICC में काम करता था उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ, हैरान हो रहे होंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ, उसके बेटों को यहाँ पे नौकरी दी गई थी पिछली सरकारों ने, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। यानी कि एक फैसला लिया गया है कि कोई भी जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जहाँ एक और इस गद्दार की, रजौरी के गद्दार की शनाख्त की गई है, जहाँ एक और इस रजौरी के
गद्दार को ढूंढने के लिए अभियान जारी है, उसके लिए खोज जारी है, वही दूसरी ओर बाकी गद्दारों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके एक लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनको नौकरी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए, एक पैगाम दिया जाए कि देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। हाकिम दीन के अलावा भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों को कुछ और गद्दारों, आतंकियों के कुछ और मददगारों की तलाश है। भारतीय सेना इस समय उस गद्दार की खोज में जुटी है जिसने दो दिन पहले वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद की। बताया जाता है इस गद्दार ने पहले उन आतंकवादियों को पना दी, फिर उन्हें खाना खिलाया, उसके बाद रास्ता बताया कि कहां पे वीडीसी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार रहता है ताकि आतंकवादी उसके घर पे हमला कर सके। लेकिन फौज के जवानों ने उस शख्स को देख लिया है, उस गद्दार को देख लिया है जिसने उनकी मदद की। बताया जाता है कि तीन आतंकवादी थे और उनके साथ एक और शख्स था जो उनको लगातार गाइड कर रहा था। बताया जाता है कि इस गद्दार ने इन आतंकवादियों से पैसे लिए हुए हैं, ये पहली बार नहीं है जो चंद पैसों के लिए कुछ अपने ही देशवासी आतंकवादियों के हाथों बिक चुके हैं और पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं। पहले भी हमने देखा कि कई लोगों ने पाकिस्तान से पैसे लेकर उनके इशारे पे काम किया और आतंकवादियों की मदद की। इस बार भी देखा गया कि विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला करने के लिए इस गद्दार ने मदद की। सेना उसको चप्पे चप्पे में छान रही है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, उसे बस अब ढूंढना और दबोचना बाकी है। किसी भी वक्त उसको दबोच दिया जाएगा और एक सबक सिखाया जाएगा ताकि कोई दोबारा गद्दारी करने की कोशिश न करे देशवासियों के साथ। बताया जाता है कि यह विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर पुरुषोत्तम कुमार, इसने पिछले वर्ष एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था। यह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब लकड़ी इकट्ठा करने गया था तब इसने आतंकवादी देखे थे, लेकिन इसने अपना हथियार घर से लाया और आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर किया जिसमें एक आतंकवादी मारा गया था। इसकी वजह से उसे शौर्य चक्र से नवाजा गया था। यह पहली बार नहीं है जब गद्दारों ने आतंकवादियों की मदद की है। संदेश साफ है कि आतंकियों के मददगारों के साथ भी वही हश्र होगा जो आतंकियों के साथ होता है। आतंकियों की कमर तोड़ने और उनके मददगारों को सबक सिखाने के लिए सेना पूरी तरह डट चुकी है। भारतीय सेना तब तक चुप नहीं बैठने वाली जब तक जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया नहीं हो जाता, और इसके लिए सेना खास प्लान पर काम कर रही है। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ रहे आतंकियों को तो सबक सिखाया ही जा रहा है, यहाँ बैठे उनके मददगारों के खिलाफ भी तगड़ा एक्शन हो रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।